नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि आप घर से जा रहे हैं और पुलिस ने आपको रास्ते में रोका, किसी भी बात पे आपका बात विवाद हो गया, पुलिस ने आपको वहां से जबरदस्ती उठाया और थाने लेकर के गई, आपको बुरी तरह से मारा पीटा। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो या फिर पुलिस के किसी भी प्रकार के बदतमीजी वाले सिचुएशन में हो, पुलिस ने किसी भी तरीके से बेवजह आपको परेशान किया है, आप इस तरह के सिचुएशन से कैसे निपट सकते हैं, मेरे साथ हैं एडवोकेट स्वाति सिंह, जो हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं और इन मामलों की बेहतर जानकार हैं, इनसे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। स्वाति जी, आप एक बात बताइए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप देखिए, कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला और किसी भी बात पे उसकी थोड़ी बहुत बहस हो गई किसी पुलिस वाले के साथ में, और उसने ग्रुप बना करके पुलिस ने मारपिटाई कर दिया और थाने लेकर चले गए, ऐसा व्यक्ति क्या करे? और आरोप लगा दिया कि आपने पुलिस पे हाथ उठाया इसलिए हम आपके साथ मारपीट कर रहे हैं। देखिए, ऐसी सिचुएशन बहुत बार होती है, बहुत लोगों के साथ होती है कि घर से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस ने रोका, बहस हो गई पुलिस के पास, क्योंकि वो अथॉरिटी है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और ये बता दें कि उन्होंने हमारे साथ ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया या बदतमीजी करी और मारपिटाई शुरू कर दी। जिस इंसान के साथ ये चीज हुई है उसका फोन जब्त कर लेते हैं, उसके घर वालों से कॉन्टेक्ट नहीं करने देते हैं, उसको बिल्कुल भी अपने आप को लाचार नहीं समझना चाहिए। उसके पास बहुत सारे अनेकों रास्ते हैं जिससे वो कानून की मदद से, कानून से सहायता ले सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि किसी कोई भी व्यक्ति अगर इस स्थिति में है, इस सिचुएशन में है, तो उसको क्या करना चाहिए, वो किस तरीके से कानून से? मैं आपको एक बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप समझना चाहिए पुलिस वालों में भी एक कॉन्स्टेबल रैंक और एक ऑफिसर रैंक होता है। अगर आपने कॉन्स्टेबल रैंक के साथ में बदतमीजी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पे अगर आपने मारपिटाई कर दिया तो है, लेकिन एक ऑफिसर के साथ आपने बदतमीजी किया और कॉन्स्टेबल के साथ में किया, दोनों में फ़र्क होता है कानून की नज़र में। तो पहले तो ये जान लेना चाहिए, ऑफिसर्स के साथ करते हैं बहुत ज़्यादा उसको ग्रेविटी होती है, अगर आप कॉन्स्टेबल के साथ में किसी बात को लेकर के बहस हो गई तो उसमें बात इतनी नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल ये है जो मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन के तौर पे, कि पता है क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी पुलिस वाले ने आपके साथ मारपिटाई किया हुआ है, आम लोग 80% 90% लोग पीछे क्यों हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सभी पुलिस वाले एक जैसे हैं, सभी पुलिस वाले एक जैसे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, मान लीजिए किसी ने आपके साथ मारपिटाई किया और मारपिटाई करके थाने लेकर के गया, थाने में वहां पे और भी दो चार लोगों ने मारपिटाई किया, पुलिस वालों ने मारपिटाई किया, एसओचओ के पास लेकर के गए, एसओचओ ने भी मारपिटाई किया, यानी कि आपको ये दिख रहा है कि पूरा थाना ही शामिल है। ऐसे परिस्थिति में अगर आप केवल एक स्टेप लेते हो और वो स्टेप ये है कि उसमें से दो तीन लोगों का या पूरे थाने वालों के खिलाफ एक प्रॉपर कंप्लेंट बना करके उस एरिया में जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, लाइक एसपी होते हैं, डीसीपी होते हैं, अलग अलग जगह के, जैसे कई कस्बों में आईजी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल होते हैं या फिर डीजी होते हैं, उनको आप कंप्लेंट की कॉपी भेजो। उस कंप्लेंट के कॉपी को केवल पुलिस ऑफिसर्स को नहीं, आपको चीफ सेक्रेटरी को भी भेजना है, सीएम को भी भेजना है। अब लोग ये सोचते हैं कि मान लीजिए मैंने कंप्लेंट की कॉपी भेज दिया तो होगा क्या ज्यादा से ज्यादा, वो तो आज भी मैं देख रहा हूं कि वो वैसे ही घूम रहा है, वो पुलिस वाला वैसे ही घूम रहा है, ऐसे सोच करके आप कंप्लेंट नहीं करते। अगर आप कंप्लेंट करोगे ना किसी पुलिस वाले के खिलाफ में, वैसे ही कंप्लेंट कर दो, कोई इंसिडेंट हुई है, अगर साथ में एविडेंस लगा के भी अगर आपने कुछ कंप्लेंट कर दिया तो उसके सीनियर्स उसको बुलाएंगे और उससे सवाल पूछेंगे कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आया हुआ है, उसके लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हो जाएगी और खुदा न खास्ते इसी तरीके का एक दो और कंप्लेंट आया होगा तो वो तुरंत सस्पेंड भी हो जाएगा बिना किसी जांच के, क्योंकि बिना कंप्लेंट के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को नहीं पता है कि क्या हो रहा है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को तभी पता चलेगा जब कोई रिपोर्ट करेगा उनको, है ना, क्योंकि सारी कहानी वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अगर आपके साथ ऐसा बुरा हादसा हो गया है तो कंप्लेंट के जितने माध्यम हो सकते हैं उन सभी माध्यमों से कंप्लेंट करो।
आप ऑनलाइन कंप्लेंट करो, आप 112 पे कॉल करो, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को कंप्लेंट करो, आप चीफ सेक्रेटरी को कंप्लेंट करो, आप डीसीपी को करो, आप डीजी को करो, आप विजिलेंस को कंप्लेंट करो, आप सब जगह कंप्लेंट करो। हाँ, तो इसका मतलब अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो वो मतलब उसको ये सोच के परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे पुलिस ने मार दिया तो मैं घर बैठ जाऊँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लाचार हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो सर ने आपको इतने सोल्यूशन बताए कानून। हाँ, कैसे किस तरीके से मदद ली जाए। मैं और एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अब क्या होता है कि आपने कंप्लेंट तो कर दिया सब जगह, कंप्लेंट करने के बाद से अब आप वेट कर रहे हो कि उस पर कार्रवाई क्या हो रही है। आपको लगता है कि कार्रवाई नहीं हो रही है कुछ भी। आप चाहते हो कि उसके खिलाफ एफआईआर हो। बिल्कुल। आप थाने में गए, आपने कहा अब थाना वही है जहां पे ये सारा अपराध हुआ है। बिल्कुल। आप थाने में जाके वहां पे एफआईआर करवाओगे, वो होने नहीं देंगे। तो आपके पास राइट है फिर भी कि आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट को जाकर के बोल सकते हो, एप्लीकेशन लगाओगे कि मेरे इस मामले में एफआईआर रजिस्टर्ड करके उन पुलिस वालों को नामजद करके उनके खिलाफ जांच की जाए। कोर्ट में हम कंप्लेंट देंगे सीआरपीसी 156(3) के तहत एफआईआर। हाँ, पहले हमने कंप्लेंट दिया। हाँ जी। कंप्लेंट के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे एफआईआर लॉन्च करने के लिए। जी हाँ, एफआईआर लॉन्च करने के लिए आपने बोला। अब अगर इतना भी स्टेप किसी ने ले लिया ना, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके करियर के लिए ये बहुत खराब चीज है। बिल्कुल, उसके करियर के लिए ये बहुत खराब चीज है। तो इस हिसाब से एक चीज और। हाँ, इसी के बीच में आपने अभी एक सीआरपीसी का सेक्शन बताया 156(3), तो इसके अकॉर्डिंग कैसे एफआईआर लॉन्च होती है कोर्ट के पास? इसका नियम होता है 156(3), देखिए 154 के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर्ड किए जाते हैं, ठीक है, 155 में जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, और 156 में जो होता है वो 156 के अंदर आप कोर्ट को कंप्लेंट करते हैं, ठीक है। 156 में हम कोर्ट को अपनी कंप्लेंट देते हैं और हम कोर्ट से हम डायरेक्शंस लेते हैं कि वो पुलिस को डायरेक्शन दे इस मैटर में एफआईआर लॉन्च करने के लिए, जो कि एफआईआर पुलिस नहीं लॉन्च कर नहीं कर रही। अगर कोर्ट का डायरेक्शन आ जाएगा तो कंप्लेंट रजिस्टर्ड होगा ही होगा। बिल्कुल, होगा ही होगा, ठीक है। तो मतलब ये सब साधन थे कि हम कैसे उन पुलिस वालों के ऊपर कार्यवाही कर सकते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और जब ये एफआईआर हो गई तो ये जो प्रोसीजर है पूरा वो एक नॉर्मल क्रिमिनल कंप्लेंट की तरह चलेगा, उसमें किसी भी तरीके के बायसनेस नहीं होती है। नहीं होती है। जहां तक मेरी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे को किसी व्यक्ति के बारे में मालूम था कि किसी सेम इंसिडेंट जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं वो ये चीज हुआ था, उनके साथ में मारपिटाई हुई थी। मारपिटाई होने के बाद से उन्होंने एक्शन लिया कि आरटीआई लगाया। सबसे आज के टाइम में आरटीआई के माध्यम से किसी के बारे में केवल इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन लेने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने आरटीआई निकाला, आरटीआई देने में, आरटीआई का जवाब आने में 1-1.5 महीना हो गया। तब तक गुस्सा ठंडा हो गया और उसके बाद से कोई एक्शन नहीं हुआ, कंप्लेंट नहीं हो पाया। कायदे से अगर वो कंप्लेंट हो जाता तो बहुत अच्छा होता। कंप्लेंट भले ही ना हुआ हो वहाँ पे, लेकिन आपको जान करके, मतलब मेरे को जब इस बारे में मालूम चला कि उसमें सारे पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, इसी तरीके से जो है उस व्यक्ति को पकड़ कर लेकर गए थे, मार पिटाई किया था, और कुछ दिनों के बाद पता चला उस थाने में एसएचओ से लेकर के सबको सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा। उस थाने के हर एक व्यक्ति को सस्पेंड किया गया। कंप्लेंट इसने नहीं किया था जिसके साथ मारपिटाई हुआ था, लेकिन उस थाने का हर एक व्यक्ति सस्पेंड हुआ। क्यों सस्पेंड हुआ? क्योंकि वो इसी तरीके की घटनाएं किसी और के साथ भी कर रहे होंगे, उन लोगों ने कंप्लेंट किया होगा जिसके वजह से एक्शन हो गया। अगर अच्छा होता कि उस व्यक्ति ने, जो मेरे नोन है, अगर उन्होंने भी कंप्लेंट किया होता तो बहुत अच्छा एक्शन होता और जल्दी एक्शन होता। जो दूसरा व्यक्ति पिटा गया होगा, दूसरे व्यक्ति के साथ जो अत्याचार हुआ होगा, वो नहीं हुआ होता। तो हमें पता चल गया कि कैसे अगर किसी भी आम आदमी के साथ पुलिस के द्वारा बर्बरता की जाती है या मारपिटाई या बेवजह उसको परेशान किया जाता है। आपने जितने भी सॉल्यूशंस बताए वो काफी यूजफुल हैं शायद ऑडियंस के लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए। तो ये सारे सॉल्यूशन बहुत ही यूजफुल हैं आम जनता के लिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बिल्कुल भी चुप होके ना बैठे। आपके पास साधन है कंप्लेंट करने के लिए, आप कोर्ट जा सकते हैं, एसपी ऑफिस जा सकते हैं, एसीपी के पास जा सकते हैं, आपके पास काफी सारे रास्ते हैं।
देखिए एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा और ऐड करके मैं इस टॉपिक को जो है हम लोग इस चर्चा को ख़त्म करेंगे। देखिए सबसे पहली बात क्या है ना, कोई भी पुलिस वाले व्यक्ति अगर आपके साथ में बदतमीजी कर रहे हैं, मार पिटाई कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो एक इंसिडेंट और मैं बता देता हूँ कि जैसे पुलिस वाले ने खुद ही अपना कॉलर फाड़ लिया, खुद ही अपना नेम प्लेट नोच लिया और दिखाने की कोशिश की कि आपने मार पिटाई किया है, कुछ भी सिचुएशन आपके साथ हुआ हो, कुछ भी सिचुएशन हुआ हो, चाहे आपके खिलाफ उसने कोई सबूत फ्रेम क्यों ना कर लिया, बना क्यों ना लिया हो, हर स्थिति में कंप्लेंट करो करो करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कंप्लेंट नहीं करोगे तो आप खुद दोषी साबित हो जाओगे, ये करना चाहिए आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, और कोई कठिनाई अगर आपको हो, किसी ने आपके साथ बदतमीजी किया है, मार पिटाई किया है, तो एक नाम तो याद ही रखना, लीड इंडिया, क्योंकि हम आपकी मदद जरूर करेंगे। 8800444555 पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी ठीक तरीके से सहायता कर सकें। थैंक यू सो मच स्वाति जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।